गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको विजन आईएएस के अभ्यास टेस्ट के बारे में बताऊंगा। आज उसका टेस्ट कंडक्ट हुआ 2 अप्रैल को, और इसमें जो क्वेश्चन का जो क्या पैटर्न था, क्या लेवल था, उसके बारे में आज रिव्यू करूँगा। इसके पहले मैं आपको अभ्यास टेस्ट के बारे में बता दूँ कि ये जो टेस्ट है, ये विजन आईएएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसका जो नॉर्मल टेस्ट होता है, जो इसका जो क्लासरूम का टेस्ट, इसके अलावा जो मार्केट में जो क्वेश्चन अवेलेबल होता है, 35 टोटल टेस्ट होते हैं, उससे अलग है ये। और ये एग्ज़ाम से पहले कराया जाता है। जैसे कि ये जो अभ्यास टेस्ट है, ये आपको 2 अप्रैल, इसके बाद 23 अप्रैल और फिर 7 मई को होने वाला है। टोटल इसमें 6 टेस्ट होंगे, 3 GS के और 3 CSET के, एक साथ ही होता है। जैसे कि आज जो पेपर हुआ है, 10 से 12 GS का हुआ है, फिर 2 से 4 CSET का हुआ है। तो जैसा UPSC का जो फॉर्मेट होता है, जब हम टेस्ट देने जाते हैं, सेंटर पर जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वैसे ही इसका भी होता है। यहाँ इसमें भी सेंटर एलोकेट किया जाता है। जैसे जो मुखर्जी नगर का जो सेंटर था, वो आपको कमला नगर के आसपास था, ठीक है, रूपनगर में इसका सेंटर एलोकेट किया गया था। इस तरह से इसके सारे रीजनल इसके सेंटर भी होते हैं ऑल इंडिया लेवल पर। अगर आप किसी भी सिटी में हो, चाहे आप UP में लखनऊ से हों, बनारस से हों, या पटना से हों, कहीं से भी हों, आप इसके रीजनल सेंटर पर जाकर टेस्ट इसका दे सकते हैं, ठीक है। इसका टोटल चार्ज 1000 रुपया है, और 1000 में आपको टोटल कर सकते हैं 6 टेस्ट, 3 GS का और 3 CSET का अवेलेबल कराया जाएगा, और उसी माहौल में आपको एग्ज़ाम देना है। इसके साथ साथ इसमें रैंक भी डिसाइड होता है। लगभग 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट और इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। आपको पूरा एनालिसिस होता है कि किस सब्जेक्ट में आपका कम नंबर है, किस में ज़्यादा नंबर है। तो कुल मिला के अपने आप को सेल्फ असेसमेंट का ये बेहतर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर अपने आप को आप जान सकते हैं। अगर आप इस पर प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो निश्चित रूप से इसका आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग भी ऑलमोस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जो प्रीलिम्स निकाले होते हैं, इसका टेस्ट एक बार ज़रूर देते हैं, ठीक है। तो मैंने भी इसका टेस्ट दिया था। इसके बाद मैं भी दिखाऊंगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था। तो मैं जनरली मार्केट का भी जो अवेलेबल होता है, उसका भी टेस्ट मैंने लगाया है, और मैंने इसका भी लगाया, तो दोनों मुझे अंतर दिखा। मार्केट वाले टेस्ट में ज़्यादातर आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करता UPSC का। लेकिन ये जो क्वेश्चन इस पर पूछा गया इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि जो पैटर्न UPSC का होता है, वही पैटर्न यहाँ फॉलो किया जाता है। हालांकि मार्केट में वही पैटर्न होता है, बट थोड़ा सा उससे अंतर हो जाता है इसमें, ठीक है। स्पेशली ये UPSC के लिए तैयार किया था, कुछ दिन पहले एग्जाम से। तो इसमें लगभग सारे सेगमेंट को कवर किया। शुरुआत में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे सेगमेंट क्वेश्चन को कवर किया गया था। जो पैटर्न UPSC का रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज भी उसी स्तर का था, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, अगर आपने कॉमन सेंस अप्लाई किया, तो लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। बाकी अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सही है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आसानी होगी, ठीक है। ये थोड़ा नया प्रयोग किया गया, भारत का मैप देखे इसमें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ये मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन का इसका लेवल क्या था। इसके साथ साथ इसका जो अगर PDF चाहिएगा, तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में इसका एक अपना व्हाट्सएप में दे दूंगा, वहाँ से आप चाहिएगा तो इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है। वैसे मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, ये कुछ दिन बाद मार्केट में भी आ जाएगा ये, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिएगा तो मैं आपको इसको दे दूंगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसके क्वेश्चन को ऐसे चाहिएगा तो वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। सारे सेगमेंट को कवर किया गया था, और क्वेश्चन का जो इसमें कह सकते हैं जो डिफ़िकल्टी लेवल था, वो कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ ही था। जैसा UPSC कर रहा था, मॉडरेट टू टफ उसी लेवल का था। कुछ कुछ क्वेश्चन ठीक थे, आसान थे, बाकी जो कुछ क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ थे। और ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो आपको कोई बुक में नहीं मिलने वाला, वैसे ही आपको एग्ज़ाम में जाकर सॉल्व करना पड़ेगा उसको। तो वैसे भी क्वेश्चन बहुत सारे थे इसमें। इसके बाद इसका CSET का भी पेपर हुआ था। अगर आपको CSET का पेपर भी चाहिएगा तो बताइएगा, CSET के पेपर पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आप लोगों ने भी दिया होगा इसका पेपर, तो आप लोग बताएं इसका रिव्यू दे कैसा है, कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि आपको इसका क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने लगभग 100 क्वेश्चन को इसमें आपको स्क्रॉल करके दिखा दिया है। बाकी आप लोग अपना रिव्यू बताइए, आप लोग अपना कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। इसके साथ साथ PDF के लिए आप मेरे कमेंट में जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको CSET का जरूरत पड़ेगा वीडियो का, तो बताइएगा, उसे भी बना दूंगा मैं। और ये दोनों मीडियम होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होता है। मेरे पास, मैं
खुद स्वयं हिंदी मीडियम से हूँ तो इसलिए मैंने हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ, लेकिन इसका बायलिंगुअल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।